आज का जो सफ़र है यार अम्बाला से मुरादाबाद का है, जो कि तकरीबन 5 घंटे लगे यहाँ से, 300 किलोमीटर है जो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हमारी ट्रेन। तकरीबन हमें 5 घंटे लगेंगे पहुँचने मुरादाबाद, वहाँ से जाना तो हमें आगे ही है। दोस्तों से बता दूँ, हमारी जो ट्रेन है 20 मिनट ट्रेन है, तो अम्बाला से के तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो जैसे बता दूँ कि जैसे अम्बाला से पहले मौसम जो था बढ़िया था, ठंडा था, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी हल्की हल्की। पर सहारनपुर पहुँचते हैं तो यहाँ थोड़ी मौसम गर्म है, यहाँ पे तो बारिश नहीं है, यहाँ पर तो गर्म सी लग रही है। बीच बीच से दो बारिश की चैन पिलिंग भी होगी दोबारी, तो सफ़र बढ़िया। भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस ट्रेन में वेटिंग यानी जहाँ 400 वेटिंग चल रही थी, जहाँ वेटिंग है तो आप दिखाता हूँ मैं आपको। डब्बों में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि ये पैर रखने जगह नहीं है, वेटिंग वाले लोग इतने ज़्यादा बैठे सीटों पे कि ये उठाना मुश्किल हो रहा है। तो ये लोग ट्रेन जो चलती है वहाँ से सीधा कोलकाता जाती है, इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ ट्रेन रुक रही है उसके बाद पसीना चिपचिपी गर्मी से लग रही बहुत ज़्यादा। तो भी सफ़र बढ़िया चल रहा है, देखते हैं आगे। सहारनपुर बस स्टेशन ट्रेन पहुँची है, सहारनपुर पहुँची है, 20 मिनट तकरीबन लेट है, उसके बाद 10 मिनट होगी उसके बाद यहाँ से इसका डिपार्चर हो जाएगा। मिलते हैं आपको।
ये देखो एक कोठी बंगले वाला ऊपर भाई जैसे देख रहे हैं ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत वेटिंग है और गर्मी बुरा हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक ऊपर पड़ा है छत पे लेकिन भीड़ दबा गया है, पर सबर अभी देखो ट्रेन है बहुत लेट चल रही है, आधा घंटे लेट हो गया, आधा घंटे से लेट है और बीच रूम जा रही धीरे धीरे चल रही है, मतलब सबर के हम जान ले रही है हमारे, अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी के हम ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा है। बढ़िया सफर, बढ़िया सफर, बस कट रहा है कट रहा है क्या बोल रहा है, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे ऐसा ट्रेन बोल रहा है, ट्रेन का नियम बोल रहा है 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर लग नहीं रहा है, थोड़ी देर चलती थी फिर हो जाती है। हेलो गाइस, हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी जो ट्रेन थी है बहुत परेशान किया, तकरीबन 1.5 घंटा लेट होगी ये मुरादाबाद से पहले आउटर पे हरतकला के पीछे 6 किलोमीटर पीछे 1.5 घंटा रुक रही वहाँ पे, तो गर्मी बहुत ही यार, तो पागल हो गई गर्मी से यार, 1.5 घंटे ट्रेन लेट थी और पहुँच चुके हैं, हमारी 5 मिनट ट्रेन, इसके बाद कब हम जाएँगे नैनीताल के लिए, यहाँ से रामनगर उसके बाद नैनीताल, सफ़र बढ़िया रहा, मज़ा आया, लेकिन गर्मी ने बहुत परेशान किया और ट्रेन ने ये बहुत लेट किया है, तो जो ये सफ़र था भी इसके बाद भी जारी रहेगा, तो हम लेने आए टिकट लेने आए यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे पास थोड़े समय बाकी है। दोस्तों अभी तक तो सफ़र था बढ़िया था, हमारा जो सफ़र है ट्रेन का, तो यहाँ से गवाओं तो था, तो यहाँ से और आगे जाएंगे, पहले बता दूँ आपको जो सफ़र रहा बहुत ही यार कहते ना सही वाला तो बेकार था, ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी और मुरादाबाद पहुँचने से पहले उसके आउटर में 6 किलोमीटर पीछे 1.5 घंटे के वहाँ रोक रखा, तो गर्मी से बुरा हाल यार, मतलब इस ट्रैक की कहते हैं मेंटेनेंस बहुत कम है, पर ध्यान देते ही ना, क्योंकि हमने 2-3 बार ट्वीट भी किया था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बीच थी, 1.5 घंटे पर लेट पहुँची है, 4:30 हो गए हैं, अब हमारी 5 बजे से ट्रेन है यहाँ से रामनगर के लिए, तो पैसेंजर आई उसमें जाएंगे हम, सफ़र कहते हैं अच्छा रहता, पर इस सफ़र में थोड़ा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई, गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कहते हैं ना अगर ज़्यादा वेट कर तो चिड़चिड़ा होता, मतलब वही हाल था, पर सफ़र बहुत अच्छा रहा, मिलते हैं आपको हम आगे, ये है मुरादाबाद जंक्शन।